हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब के ऊपर 3 नए कमाल के अपडेट आए हैं, जिन अपडेट के बारे में जान करके आप 100% बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सभी अपडेट के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला अपडेट आया है ऑटो ट्रांसलेट को लेकर के, यानी कि जब भी आप सब लोगों को पता है, जब भी YouTube के ऊपर कोई ऑफिशियल अपडेट आता है तो वो अपडेट आता है इंग्लिश में, या फिर आप किसी बाहर का चैनल को देखते हो तो उसे आप देखते हो इंग्लिश में, लेकिन आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि अब हम इसे कैसे समझे। उसके साथ ही साथ जब भी YouTube का अपडेट आता है तो वो भी इंग्लिश में आता है, तो हम लोग यही सोचते हैं कि हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो हम लोग मनोज झा का वीडियो देखते हैं, मंगेश कुमार का वीडियो देखते हैं, या फिर टेक्निकल योगी जुन्नू के टेक, इन बड़े बड़े क्रिएटर्स का वीडियो को देखते हैं जो हिंदी में बताते हैं। लेकिन अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब ने एक अपडेट लाया है जिसमें आप क्या कर सकते हो, किसी भी वीडियो को आप हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो अगर उसने कैप्शन लगा के रखा है तो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए मैं आपको मोबाइल पे करके दिखा देता हूँ। मैं आ गया हूँ यूट्यूब पे, और चलिए यहाँ पे मैं सब्सक्रिप्शन पे चले जाता हूँ और जो यूट्यूब का नया अपडेट आया है उसी वीडियो को यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ, क्रिएटर्स इनसाइडर का चैनल, और ये रहा वो वीडियो, तो इसी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो देख सकते हो ये वीडियो जो है वो इंग्लिश में है, ठीक है, तो इस पर मैं वॉल्यूम को पूरा कम कर देता हूँ और देख सकते हो ये वीडियो जो है वो इंग्लिश में है। अब हमें तो इंग्लिश समझ में नहीं आता तो इसे हम हिंदी में कैसे समझेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस इसी के ऊपर टाइप करने दें, ऊपर पे सीसी लिखा है इसको आपको ऑन कर देना है। इसे आप ऑन करोगे तो देख सकते हो ये मेरा ऑटोमेटिकली हिंदी में लिखा आ रहा है। तो अगर आपका इंग्लिश में लिखा आ रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग पे जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेकंड नंबर पे कैप्शन का, कैप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। कैप्शन के ऊपर जैसे क्लिक करोगे आपका ऊपर में इंग्लिश पे टिक लगा रहा होगा, तो आपको क्या करना है, पे ऑटो ट्रांसलेट का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जिस भी भाषा में यहाँ पे दिया हुआ है उस भाषा को आप सिलेक्ट कर सकते हो, जिसके बाद आपको उसी भाषा में सामने में लिखा आ जाएगा। तो यहाँ पे हिंदी पे मैं क्लिक कर देता हूँ, देन ओके करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो वो जो कुछ भी बोल रहा है वो यहाँ पे हिंदी में लिखा आ रहा है, अब इससे हमें इजीली समझ में आ जाएगा। तो यही है YouTube का पहला अपडेट। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप ऑटो ट्रांसलेट कर सकते हो, जिसके बाद आपको किसी दूसरे की वीडियो को देख करके नहीं समझना होगा, आप खुद से ही समझ जाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं दूसरे अपडेट की। तो दूसरा अपडेट आया है ज्वाइन बटन के लेकर के। आप सब लोगों को पता है जैसे ही आपके 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाता है आपको एक ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिलता है। अब ज्वाइन बटन के ऑप्शन पे अगर आप कोई भी सब्सक्राइबर उसको ज्वाइन करता है तो आप उसे मंथली चार्ज करते हो और उसे एक्स्ट्रा टिप्स देते हो या फिर एक्स्ट्रा उसे समय देते हो। तो पहले क्या होता था, उस ज्वाइन बटन में हमें सिर्फ 2 या 3 ऑप्शन ही मिलते थे प्राइस को लेकर के, यानी कि हम कुछ ही एक लिमिटेड तक उसमें प्राइस लगा सकते थे। लेकिन अब यूट्यूब ने एक अपडेट लाया है जिसमें आप अपने इच्छा अनुसार प्राइस लगा सकते हो, अपने इच्छा अनुसार नहीं लगा सकते हो, YouTube उसमें एक लिस्ट जारी किया है, उस लिस्ट के अनुसार ही आप अपने प्राइस को बढ़ा सकते हो, तो आप मैक्सिमम तक बहुत ही ज्यादा हाई कर सकते हो, बाकी यहाँ पे आपको लिस्ट दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए बात करते हैं तीसरे अपडेट की। तीसरा अपडेट भी बहुत ही कमाल का अपडेट है। इस अपडेट को YouTube ने बहुत पहले लाया था, लेकिन फाइनली YouTube ने इसे लॉन्च कर दिया है और हो सकता है कुछ कुछ क्रिएटर्स को ये मिल भी गया होगा। यानी कि अब मान लीजिए आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो और आपको इस वीडियो का कोई पार्ट पसंद आता है, मान लीजिए मेरा दूसरा अपडेट मैंने जो आपको बताया वो पसंद आता है, या फिर आपको मेरा पहला अपडेट पसंद आता है, तो आप उसे बार बार स्किप करके देखते हो, या फिर किसी भी वीडियो को हम देखते हैं तो अगर कोई पार्ट हमें समझ में नहीं आता है तो हम उसे बार बार स्किप करके देखते हैं कि आखिरकार इसमें बताया क्या गया है। तो अब होगा ये कि अगर आप बार बार उसे स्किप करके देखोगे तो आपको यहाँ पे एक रेड कलर का आइकन बन के आ जाएगा, जिसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि इस वीडियो में इस पार्ट को बहुत बार देखा गया है, तो आप डायरेक्टली उस जगह को ही देख सकते हो कि आखिरकार इस जगह में ऐसा है क्या जिसमें बार बार लोगों के द्वारा इस जगह को बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। तो ये रहा YouTube के 3 नया अपडेट। अब तीनों अपडेट में से आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा अच्छा लगा, बाकी मुझे तो तीनों ही अपडेट बहुत ही अच्छा लगा, बाकी आप अपना राय मुझे जरूर बताना। साथ ही साथ चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह की YouTube से अपडेट रिलेटेड हम आपके लिए हमेशा वीडियो लेके आते रहते हैं।